हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम आपके सामने लेके आए हैं नया वीडियो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी। ये टॉपिक आपको एफकेट में काफ़ी मदद देगा और एसएससी के एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस टॉपिक का यूज़ आप एनालॉजी में भी पाएंगे। सो हम आज देखेंगे एक एक करके सारे रिलेटेड स्पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले है टेबल टेनिस। जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हमारे भारतीय खिलाड़ी मानिका बत्रा। जो टर्म्स यूज किए जाते हैं टेबल टेनिस में वो है वॉली, लेट सर्विस, ड्राइव, स्पिन, हाफ वॉली, बैक हैंड एंड चॉप। जो टर्म्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे वो है चॉप एंड स्पिन एंड ड्राइव। ओके, नेक्स्ट इज टेनिस। टेनिस को हम लॉन टेनिस से भी जानेंगे कहीं कहीं पे। ओके, सो जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो हैं ग्रास कोर्ट, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, बेसलाइन, स्मैश, शॉट, ब्रेक। जो कुछ और टर्म्स यूज किए जाते हैं वो है सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ड्यूस, एडवांटेज, गेम पॉइंट एंड ब्रेक पॉइंट। अब हम जानेंगे जो शब्द और टर्म्स यूज किए जाते हैं वेटलिफ्टिंग में। जो वेटलिफ्टिंग में मेनली दो टर्म्स इम्पॉर्टेंट होते हैं वो है जर्क एंड स्नैच। स्नैच भी हमारे पास चार प्रकार का होता है, एक स्क्वाट स्नैच, एक होता है स्प्लिट स्नैच, एक होता है पावर स्नैच और लास्ट है मसल स्नैच। इसके बाद हम देखेंगे रेसलिंग में। जो रेसलिंग में टर्म्स इम्पॉर्टेंट है वो है फ्री स्ट्राइक, पॉइंट, हाल नेल्सन एंड हीव। जो ये हाल नेल्सन एंड हीव है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल से रिलेटेड शब्द आपको एग्जाम में काफ़ी बार मिल सकते हैं। इसमें है स्पाइकर्स, बूस्टर्स, ड्यूस, स्मैश, साइड आर्म, पेनिट्रेशन एंड लिब्रो। ओके, इसके बाद जो आएंगे वो है शूटिंग। शूटिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं वो है पिस्टल, स्टैंडर्ड राइफल, फ्री पिस्टल, एयर राइफल, रेंज, बुल्स आई। ओके, उसके बाद देखेंगे हम स्विमिंग से रिलेटेड। ये है फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, लेन, पूल एंड क्रॉल। इसमें आपको काफ़ी फेमिलियर शब्द दिख रहे होंगे। जो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है वो है पूल, क्रॉल एंड लेन। उसके बाद देखेंगे हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग में होता है हमारे पास थ्री डे इवेंट, ड्रेसेस, शो जंपिंग एंड फॉल्स। नेक्स्ट है पोलो। पोलो में तीन शब्द इम्पॉर्टेंट हैं और तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पोलो बंकर, इसको सिर्फ बंकर से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है मैलेट एंड चक्कर। उसके बाद है जूडो। जूडो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो ये सबसे पहला शब्द है वो है कोकोआ, वाइट, ब्लू, ग्रीन बेल्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज हॉकी। एंड हॉकी में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं, सो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला है एस्ट्रोटर्फ। नेक्स्ट इज सडन डेथ, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, टाई ब्रेकर, कैरीड, स्टिक, स्ट्राइकिंग सर्कल, अंडरकटिंग, सेंटर फॉरवर्ड एंड हाफ बैक। इसके बाद जो है वो है बुली, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी, पुश इन, कट, स्कूप एंड ड्रिबल। इसके बाद देखेंगे हम जिमनास्टिक। जिमनास्टिक्स में जो यूज किए जाते हैं वो है पैरेलल बार, हॉरिजेंटल बार, पुशअप, फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, सिटअप। इसके बाद देखेंगे हम साइकिलिंग से रिलेटेड। साइकिलिंग में जो शब्द इम्पॉर्टेंट हैं वो है स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस, पॉइंट रेस। अब देखेंगे हम गोल्फ से रिलेटेड शब्द। कंडोर, डॉग लेग, डब, फ्लैग, फोर बॉल, मुलिगन, ऑफ द डेक, पैक, सेंट ट्रैप, टी शॉट, कैडी, चिप, क्लॉ ग्रिप। इसमें जो शब्द
एग्जाम में भी पूछे गए हैं वो है टी शर्ट पैक डप। ऐसे ही आपको जो शब्द इम्पॉर्टेंट है वो है कंडोर एंट मुलिगन। ये शब्द आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज गोल्फ अगेन। इसमें कुछ और शब्द हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो है एस अल्बेट्रॉस डबल ईगल ऑल स्क्वायर अप्रोच पट एप्रॉन बॉल मार्क बलूनिंग बीच बर्डी ब्लाइंड शॉट बोगी एंड बंक। आप इसमें देख सकते हैं काफी यूनिक वर्ड्स हैं और काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। सो इन शब्दों को आपको रिवाइज करना है जिससे आप एग्जाम में इनको सही कर सके। ओके नेक्स्ट इज चेस। ये हमारी कानेरो हम्पी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है चेस में। और जो टर्म्स हैं वो हैं गैम्बिट मूव रिजाइन स्टेलमेट चेकमेट ग्रैंड मास्टर इंटरनेशनल मास्टर किंग्स इंडियन डिफेंस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम फुटबॉल से रिलेटेड। ये हमारे भारतीय कैप्टन सुनील छेत्री जिन्होंने हाल ही में जो एक्टिव गोल स्कोरर हैं उसमें लियोनेल मेसी को पीछे करके दूसरे नंबर पर आए हैं। इनके नंबर ऑफ गोल्स टैली पहुंच चुकी है 74। अब हम देखेंगे जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो है हैट्रिक फाउल लेफ्ट आउट राइट आउट स्टॉपर डिफेंडर साइड बैक पास बेसलाइन रिबाउंड एंड कमर बैक। जो फुटबॉल से रिलेटेड अतिरिक्त शब्द हैं वो है किक गोल हेड पेनल्टी किक ड्रिबल ऑफसाइड एंड मूव। ओके उसके बाद जो शब्द हैं वो देखेंगे हम बिलियर्ड्स एंड स्नूकर से रिलेटेड। सबसे पहले पुल क्यू हिट ऑब्जेक्ट बॉल स्कोरिंग कुशन बिलियर्ड्स ब्रेक शॉट। इसमें आपको क्यू हिट एंड ऑब्जेक्ट बॉल ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम ब्रिज। ब्रिज में मास्टर पॉइंट ग्रैंड स्लैम परफेक्ट डील्स डमी एंड ट्रम्प। ग्रैंड स्लैम क्योंकि आपने टेनिस में भी देखा है तो ये एक कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसमें अगर आपको ब्रिज एंड टेनिस दोनों दिया गया है तब आपको ऑप्शन वन एंड टू दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और जो डमी एंड ट्रम्प है ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज बैडमिंटन। ये हमारी पीवी सिंधु सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक। ओके सो जो टर्म्स यूज किए जाते हैं शटल कॉक सर्विस कोर्ट डबल फॉल्ट फोरहैंड बैकहैंड स्मैश हिट ड्रॉप नेट एंड लव। इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइक ड्रॉप नेट एंड लव। ओके नेक्स्ट इज बेसबॉल। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हैं पिंचिंग होम रन बेस रनर परफेक्ट गेम थ्रो स्ट्राइक एंड पुट आउट। जो पुट आउट है ये एग्जाम में भी पूछा गया है सो इसको आप याद रखिए। एथलेटिक्स से रिलेटेड देखेंगे। इसमें आपको जो टर्म्स हैं वो हैं रिले ट्रैक लेन फोटो फिनिश हर्डल्स शॉर्ट पट डिस्कस थ्रो हैमर थ्रो हाई जंप ट्रिपल जंप क्रॉस कंट्री एंड डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स हैं जो एथलेटिक्स में देखने को मिलेंगे और यही टर्म्स हैं। ओके इसके बाद देखेंगे हम खो खो। खो खो से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हैं चेजर फाउल आउट पुल बाय एंड रनर। ये काफी यूनिक वर्ड्स हैं तो ये आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट इज कबड्डी। कबड्डी में है बोनस लाइन कॉर्नर कवर रेड एंड टैक। जैसे कि आपने सारे ही स्पोर्ट्स काफी ज्यादा स्पोर्ट्स के बारे में देख लिया है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो हमने कवर इस वीडियो में नहीं करे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो है क्रिकेट बास्केटबॉल एंड आर्चरी एंड अदर जो मिसिंग स्पोर्ट्स हैं वो भी हम आपको लेके आएंगे। ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग हर स्पोर्ट्स तो नहीं खेलते हैं कि उनको सारे टर्म्स याद रहेंगे तो आपको इनको रिवाइज करना है और एग्जाम में एक
में जाने से पहले एक बार देख लेना है, जिससे आप इन क्वेश्चंस को देखते ही सही कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन आफ्टर सब्सक्राइब।